मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सरकारी योजनाओं के ठप होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार कितनी भी बैठ के कर ले, लेकिन योजनाएं धरातल पर नहीं आ रही है। पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि लाडली बहना को 3,000 देने की बात कही थी, मगर आज तक नहीं दिए जा रहे। 450 में गैस सिलेंडर देने की बात थी। पीसी शर्मा ने कहा कि 4 जून के बाद सभी तरह के टैक्स बढ़ने वाले हैं, जिससे जनता के सिर पर और बोझ आएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में कई विभागों की बैठक ली है, जिसको लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने आरोप लगाए हैं। पहली बात तो आज समाचार पत्रों में है कि सब टैक्स बढ़ाने वाले हैं, ये 4 तारीख के बाद नगर निगम के, पानी के और जितनी भी जमीनों के, सब टैक्स बढ़ाने वाले हैं और जनता को चूसने वाले हैं। ये सब बातें समाचार पत्रों में छपी है। पहले तो हम इसका विरोध करेंगे पूरी ताकत से। ऐसा है नहीं, बैठक के अलावा क्या करेंगे, बैठक ही कर सकते हैं जिसे लगे कि कुछ कर रहे हैं। बाकी सरकार बैंकरप्ट है, कुछ पैसा है नहीं इनके पास। 3,000 रुपये देने की बात कही थी, महिलाओं को दिए क्या? जितनी योजनाएं ठह है सब ठप पड़ी हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।